दुर्ग जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत ही जिला नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल शुक्ला द्वारा एक नए मामले का खुलासा किया गया। बता दें कि डॉक्टर अनिल शुक्ला को बीएएमएस डॉक्टर द्वारा एलोपैथी अस्पतालों का आयुष्मान कार्ड से अधिमान्यता प्राप्त करने के बाद एलोपैथी चिकित्सा पद्धति से मरीजों का इलाज करने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही नोडल अधिकारी शुक्ला ने मौके पर पहुंचकर एलोपैथी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया और तत्काल कार्रवाई करते हुए अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी किया। कुछ जानकारी, कुछ शिकायतें हमको मीडिया के माध्यम से मिली भी हैं। हम उस पहलू में विशेष रूप से एक टीम गठित कर करके जा करके उसका निरीक्षण करेंगे। अगर ये सही पाएगा तो नियमानुसार कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जो एक्ट है, अगर उसमें कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है और वो अगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट कर रहा है और उसके पास एचआर नहीं है और अगर उसने कोई चीज, कोई भी तथ्य को अपने हॉस्पिटल में छुपाया है, नर्सिंग होम एक्ट के रिकॉर्ड में नहीं है, उसकी हम बारीकी से जांच करके फिर जो भी नियम होगा उसका पालन।